जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 का VVI क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है इवेल्युएट 2 tan² 45° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60°। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से यहाँ पे वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 tan² 45° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60°। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू रखना है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। तो 2 into 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो ये लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। माइनस sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 into 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, प्लस इसको सोल्व करना है, √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 into √3 √9, √9 का रूट कितना होगा, 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, माइनस √3 into √3 √9, √9 का एलसीएम कितना होगा, √9 का √3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 plus 3/4 -3/4, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/4 प्लस है और 3/4 क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या फाइनली आंसर आ जाएगा, 2। तो ये क्या हो गया आपका, तो फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप से एक क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमको और भी मोटिवेशनल मिल सके और हम नेक्स्ट वीडियो और बनाएं। थैंक यू।